प्रभात बच्चों, यह है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख। बच्चों, इस पुस्तक का पाठ 3 हम कल के वीडियो में पढ़ रहे थे। बच्चों, पाठ 3 का पहला भाग हमने पढ़ लिया है, स्वर वर्ण। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। बच्चों, व्यंजन पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा था स्वर वर्ण, आज उसे एक बार दोहराएंगे। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं पाठ 3। तो बच्चों, पाठ 3 आओ दोहराएं। बच्चों, दोहराने का मतलब क्या होता है? दोहराना मतलब जो चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं उसे फिर से पढ़ना। तो बच्चों, हमारे पाठ का नाम है आओ दोहराएं। तो हम आओ दोहराएं। स्वर वर्ण, यह है स्वर वर्ण। सो बच्चों, आज हम इसको एक बार फिर दोहराएंगे। अ से, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी। ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अह माने कुछ नहीं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, अह का कोई शब्द नहीं होता, हम कहेंगे अह माने कुछ। चलो बच्चों, एक बार फिर दोहराएं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह माने कुछ नहीं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, अह से कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं अह माने कुछ नहीं। आगे बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था, चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखो। तो बच्चों, जो चित्र बना है उस चित्र के नाम के पहला वर्ण हम पढ़ेंगे। तो चित्र है बच्चों, री से ऋषि, री से ऋषि, ई से इमली, अ से अनार, आ से आग, अंग से अंगूर, ऊ से उल्लू। अब दूसरे लाइन में देखते हैं, ऊ से ऊन, ऐ से ऐनक, ई से ईख, ओ से ओखली, ओ से औरत, ए से एक। तो चलिए देखें, बच्चों, यह है री से ऋषि। तो हम यहाँ लिखेंगे ऋषि, तो यहाँ हम लिखेंगे री। दूसरा है
इमली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई से इमली। आगे है अ से अनार, तो लिखेंगे अ, अनार का पहला अक्षर अ। आ से आग, तो आग का पहला अक्षर है आ, तो हम लिखेंगे आ। अंग से अंगूर, तो अंगूर का पहला अक्षर है अंग, तो हम लिखेंगे अंग। ऊ से उल्लू, तो उल्लू का पहला अक्षर है ऊ, तो हम लिखेंगे ऊ। चलिए दूसरे कॉलम में देखते हैं, यहाँ पहला अक्षर है, पहला शब्द है, यहाँ पे चित्र किसका है, यह चित्र किसका है बच्चों, ऊन, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ा ऊ। ऊन का पहला वर्ण है बड़ा ऊन या अक्षर, वर्ण या अक्षर है ऊ, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊ। फिर ए ऐनक, ऐनक का है ए, फिर है ईक, तो हम यहाँ ई का पहला वर्ण लिखेंगे ई। फिर है ओखली, ओखली का पहला वर्ण है ओ, तो हम लिखेंगे ओ। फिर है बच्चों औरत, औरत का पहला वर्ण है औ, औ। और फिर है एक, एक का पहला वर्ण है ए, तो बच्चों यह था अभ्यास कार्य। आगे देखते हैं, आगे बच्चों आपके लिए है, यहाँ पे बच्चों कल हमने स्वर वर्ण पढ़ा, आज भी दोहराया हमने, तो हम इस स्वर वर्णों को अब हम पहचानते हैं। हम यहाँ पे शुरू से अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ए ओ औ, औ से फिर वापस अ पे, तो बच्चों यह क्या बन गई, यह बन गई चिड़िया। अब इसको आप रंग भरेंगे, रंग भरना मतलब कलर करना। बच्चों आज का पाठ शुरू करें, आज का पाठ है व्यंजन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, आओ दोहराएं व्यंजन वर्ण। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग माने कुछ नहीं। बच्चों अंग किससे कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंग माने कुछ नहीं। अगला है च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, य माने कुछ नहीं। फिर से य से कोई शब्द नहीं बनता, तो हम लिखते बोलते हैं य माने कुछ नहीं। फिर
ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन, अण ड ढ। बच्चों, इन तीनों से कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन यह शब्द के बीच में या आखिर में आते हैं। अण ड ढ, ये तीनों अक्षर या वर्ण शब्द के बीच में या शब्द के आखिर में आकर शब्द बनाते हैं। आगे त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, म से मछली। य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लड़की, व से वक, श से शलजम, श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल। तो बच्चों, यह है व्यंजन, व्यंजन वर्ण। तो एक बार फिर दोहराते हैं। बच्चों, पाठ का नाम है आओ दोहराएं। बच्चों, हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि व्यंजन वर्ण हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आप भी मेरे साथ जोर जोर से बोलकर पढ़िए। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ माने कुछ नहीं, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, य माने कुछ नहीं, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन। ण ड ढ। बच्चों, ये जो तीनों वर्ण हैं, यह तीनों वर्ण भी कोई शब्द नहीं बनाते, लेकिन यह शब्द के बीच में आते हैं। मतलब यह शब्द के आगे न आकर के, बल्कि यह शब्द के बीच में या शब्द के आखिर में आते हैं। तो बच्चों, ण ड ढ। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, म से मछली, श से शलजम, स से षटकोण, स से सड़क, स से सब्जी, ह से हल। तो बच्चों, यह है क से कमल या क से कबूतर। क से और कौन सी चीज़, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं बच्चों? क से कमल, क से कबूतर, क से कलम, क से कान। तो बच्चों, क से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क से कार, क से कबूतर,
क से कमल, क से कलम, कलम मीन्स पेन, जिसे हम लिखते हैं ना वह पेन। तो बच्चों क से कबूतर, क से कमल, क से कार, क से कलम, तो क से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन दूसरा है हमारा ख, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से और क्या हो सकता है, खीरा। आगे पढ़ते हैं ग से गमला, ग से गधा भी हो सकता है, और ग से, ग से और क्या हो सकता है, ग से गमला, ग से गधा और ग से गाड़ी भी हो सकती है, ठीक है। देन घ से घड़ी, घ से घर, घ से घोंसला, ठीक है। अड़ा च से चम्मच, च से चरखा। चरखा क्या होता है बच्चों, चरखा वह होता है जिसे हम धागा बनाते हैं, ठीक है। च से चम्मच, च से चप्पल, च से चरखा। तो बच्चों आगे देखते हैं छ से छाता, छ से और क्या हो सकता है, छत, और छ से छलनी, ठीक है। छ से छाता, छाता किस काम आता है बच्चों, छाता हमें बारिश में बचाता है, छाता हमें बारिश से बचाता है। छ से छाता, छ से छत, छ से छलनी। ज से जहाज, ज से जानवर, ज से और क्या हो सकता है, सोचो सोचो, ज से जहाज भी हो सकता है, ठीक है। ज से जहाज, कौन सी जहाज, हवा में जो उड़ती है जहाज, वो भी हो सकती है, और ये पानी वाली जहाज भी हो सकती है, ठीक है। और ज से जीभ भी हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं झ, झ से झंडा, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झरना, झ से झरोका भी होता है, ठीक है। घर में खिड़की की तरह, खिड़की ही या खिड़की के तरह कोई भी खुली जगह होती है जिससे हम अंदर बाहर देख सकते हैं, उसको हम झरोका कहते हैं। झ से झरना, झ से झंडा, झ से झरोका, यह माने कुछ नहीं। ट से यह ट, ट से टमाटर, ट से टमटम, ठीक है। और ट से क्या हो सकता है, ट से टिप टिप भी हो सकता है, बारिश होती है ना टिप टिप, और ट से टमाटर, ट से टमटम, टमटम देखा आप लोगों ने,
वो जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसको हम टम टम बोलते हैं, ठीक है। और टिप टिप मतलब बारिश जो होती है, ठीक है, उसे भी हम कह सकते हैं ट। ठ से ठठेरा। ठ से और क्या हो सकता है? ठ से ठग भी हो सकता है बच्चों, ठ से ठग, ये है आपका ठ। ठ से ठग। ड से डलिया। डलिया में हम क्या रखते हैं? फल और सब्जियां। ड से डमरू भी हो सकता है, ठीक है। ड से डाकिया भी हो सकता है। ढ से, ये है ढ, ढ से ढक्कन। और ढ से क्या होता है? ढ से ढक्कन, ढ से ढकना, ठीक है। देन अड़ मने कुछ नहीं बच्चों, जैसा कि बताया अड़ से कोई शब्द नहीं बनता, ड से भी कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन इन तीनों को हम शब्द के बीच में इनका उपयोग कर सकते हैं, या फिर शब्द के आखिर में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। त से तरबूज, त से तलवार, ठीक है। त से तरबूज, त से तलवार। थ से थर्मस, और थ से क्या होता है? थन। बच्चों गाय भैंस का थन देखा है, जिससे हम दूध निकालते हैं, थ से थर्मस, ये है थ। थ से थर्मस। द से, थ से थर्मस, थ से थन। द से दवात, द से दवात, द से दवा भी हो सकती है। सो द से दवात, द से दवा। यह है ध। ध से धनुष, ध से धन। धन मतलब पैसा, ठीक है, कोई भी कीमती सामान। ध से धन, ध से धनुष। न से नल, न से नाक भी हो सकती है, न से नाक, न से नल। प से पतंग, फ से फल। प से और क्या हो सकता है बच्चों? प से पंखा भी हो सकता है, प से पंछी भी हो सकती है, ठीक है। फ से, अब हो गया ये आपका फल, फ से फल, फ से फल। ब से बकरी, ब से बर्तन, ब से बर्तन भी हो सकता है। ब से बकरी, यह है ब, ब से बकरी, ब से बर्तन। भ से भवन, भ से भवन, भ से भगवान भी होते हैं। भ से भवन, भ से भालू भी होता है। भ से भवन, भ से भालू, भ से भगवान। नेक्स्ट है म। म से मछली, और म से, और म से मकान भी हो सकता है, महल भी हो सकता है। तो
तो म से मछली, म से मकान, म से महल। य से यज्ञ, र से रस्सी। य से यज्ञ, य से यक्ष भी हो सकता है, य से यज्ञ, य से यक्ष। फिर र से रस्सी, र से रथ भी हो सकता है। ल से ल, ल से लड़की, ल से लट्टू भी हो सकता है, लट्टू से खेलते हैं ना। व से वक, व से वन भी हो सकता है, वन मीन्स बच्चों जंगल। श से शलजम, श से षटकोण। स से सड़क, स से सड़क भी हो सकता है, स से सब्जी भी हो सकती है। ह से, स से सब्जी है ये बच्चों, और स से सड़क भी हो सकता है। ह से हल, और ह से हाथी भी हो सकता है। तो बच्चों यह है हमारे हिंदी के व्यंजन वर्ण। सो बच्चों स्वर वर्ण हमने पढ़ा और व्यंजन वर्ण पढ़ा। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलाकर हिंदी का वर्णमाला बनता है, हिंदी का वर्णमाला। सो बच्चों हमने स्वर वर्ण भी पढ़ लिया, व्यंजन वर्ण भी पढ़ लिया, इन दोनों को मिला के बनता है हिंदी का वर्णमाला। वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला। चलिए एक बार फिर पढ़े। अब लिख करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभ्यास में अब इसको हम लिख कर पढ़ेंगे। यह है व्यंजन वर्णों की लड़ियां पूरी करो, यह हमारा इस पाठ का अभ्यास है। चलिए अभ्यास करें, अभ्यास में हम लिख लिख करके पढ़ेंगे, इन लड़ियों को पूरा करेंगे। जो हमारे सामने गोला बनाया है ना बच्चों, उसमें हम क के आगे का वर्ण लिखेंगे। तो बच्चों क है, फिर यहाँ लिखेंगे ख, यहाँ लिखेंगे ग, यहाँ लिखेंगे घ, यहाँ लिखेंगे ड़, ठीक है, फिर लिखेंगे च लिखा हुआ है, इसके आगे लिखेंगे छ, ज, झ, ञ, फिर लिखेंगे ट लिखा हुआ है, लिखेंगे ठ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, के नीचे बिंदी, ढ, ढ के नीचे बिंदी, ढ। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे त के बाद लिखेंगे, त के बाद क्या आएगा, थ, फिर लिखेंगे द,
फिर लिखेंगे ध, फिर लिखेंगे न, प पहले से लिखा हुआ है, फ, ब, भ, म, य पहले से लिखा हुआ है, र, ल, व, य, र, ल, व, उसके बाद लिखेंगे श, स, षटकोण वाला श, स, सड़क वाला स, ह, ये हो गया है हमारे व्यंजन वर्ण। तो बच्चों एक बार फिर पढ़ें, एक बार फिर पढ़ें हम इसको, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों यह हमारा स्वर व्यंजन। बच्चों घर में जोर जोर से पढ़कर इसका अभ्यास करें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।